ये है कि 14 मई को एक डिसीजन आना था, जो कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को कहा गया था कि आप सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक डिटेल्ड रिसर्च करें, और कुछ चीजें हैं जिनके लिए आपको मेंटली और फिजिकली भी प्रिपेयर होके आना पड़ता है पहले से, अब ज्यादा थोड़ा सा उस पर कॉन्शियस होना पड़ेगा। लाइक अगर बात करें कि आपको डिग्री के बाद यहाँ पे जब PSW पे आप आ जाओगे, आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? पिछले कुछ टाइम में स्टूडेंट्स की तरफ से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि भाई हम इनटेक में यूके आ रहे हैं या हम सितंबर इनटेक में यूके आ रहे हैं, तो क्या यूके आना वर्थ करता है कि नहीं करता है? कुछ बैचलर्स के थे, कुछ मास्टर्स के थे, और दूसरा पॉइंट ये है कि 14 मई को एक डिसीजन आना था, जो कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को कहा गया था कि आप सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक डिटेल्ड रिसर्च करें और हमें बताएं कि जो PSW है उसको बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज 14 मई है, उसका जवाब भी आ गया है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि यूके आना वर्थ करता है कि नहीं करता है। क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक ये PSW है तब तक आप यूके आ सकते हो, ठीक है? तो आज 14 मई है, उसका जवाब आ गया है, और सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने सारे पॉइंट्स को डिटेल्ड ओवरव्यू करके, डिस्कशन करके और उसकी हर तरह से रिसर्च की है कि अगर हम स्टूडेंट्स को PSW देते हैं तो क्या हमें उसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी मार्केट है, हमारी जॉब मार्केट है, और जो स्किल्ड वर्कर वाली कैटेगरीज हैं, क्या स्टूडेंट्स को PSW देने से वो अफेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही? और उन्होंने आज जवाब दे दिया इस चीज़ का, जो कि है कि बिल्कुल नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा और PSW बंद नहीं होने वाला, ये चलेगा। जैसा कि मैंने बोला था अपने लास्ट वीडियो में कि सितंबर में तो बहुत मुश्किल बात है कि ये बंद हो, जनवरी में रूल्स चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल फॉर नाउ इट इज़ नॉट क्लोजिंग। सब लोग बिल्कुल डोंट वरी हो जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, PSW बंद नहीं होने वाला, ठीक है? और जबकि PSW बंद नहीं हो रहा, तो दूसरा सवाल ये आता है कि क्या अब यूके आना हमारे लिए वर्थ करता है कि नहीं करता? यार देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप यूके आ रहे हो मास्टर्स पे, तो आपको मेरा ख्याल है डेफिनेटली बगैर सोचे समझे आना चाहिए। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा बैकअप आपका बनता है, ठीक है, जो पहले ज़रूरी नहीं भी होता था। लाइक पहले इतना ज़रूरी था, अगर आप 1000 पाउंड ले आते थे तो वो मोर देन इनफ हो जाता था, लेकिन अभी सिनेरियो ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है, अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। स्टूडेंट को जहाँ पे पहले 200-250 पर मंथ में रूम मिल जाता था, अब उसको वही 400 तक जाके, 450 तक जाके रूम मिलता है, और प्राइवेट अकोमोडेशन में चले जाएं वो तो आपसे 3-3 महीने का एडवांस रेंट लेती हैं, और सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरी मुश्किल चीज़ ये है कि जॉब ढूंढना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं यूके में, ठीक, जिसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट ओवरफिल्ड हुई हुई है, जो पिछले हैं वो नहीं छोड़ रहे और ऊपर से नए सैलाब आते जा रहे हैं, ठीक है? तो जॉब ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो गया है। सीन ये है कि जनवरी 2024 से लेके मई 2024 तक जो भी चेंजेस आए हैं, जिनमें सबसे बड़े कुछ चेंजेस थे कि जो केयर वर्कर्स वाले थे वो भी अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते, स्टूडेंट पहले ला रहे थे वो भी अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते अब जब तक कि वो PhD के लिए ना आ रहे हों, और इसी तरह के और बहुत से चेंजेस, सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया एंड फ्ला फ्ला, उसकी वजह से इन्होंने देखा कि माइग्रेशन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया इनकी नज़र में, कि यहाँ पे जो आने वाले लोग थे, जो लो स्किल्ड लोग थे, जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, अपनी बीवियों का या मिसेस का वो वीज़ा लगवाते थे, साथ खुद डिपेंडेंट बन के आ जाते थे, तो अब वो सीन खत्म हो गया, डिपेंडेंट अब नहीं आ रहे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और माइग्रेशन में कमी आई है। पिछले एक साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा सिनेरियो बदल दिया यूके के लिए, और बहुत से लोग अब यूके को एज अ डेस्टिनेशन कंसिडर नहीं करते। लेकिन ये जो PSW वाली चीज़ थी ना, ये लास्ट वो पॉइंट था, अगर ये होता तो इसके बाद कोई भी बंदा यूके आने का ना सोचता, अगर इसको बंद कर दिया जाता। तो इन्होंने अभी तक तो ये किया है कि इसको इसीलिए बंद नहीं किया क्योंकि इनको लगता है कि इनको भी और लोग चाहिए, और PSW बंद नहीं हो रहा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या बैचलर्स के लिए अभी भी यूके आना, 12 पढ़ने के बाद, लाइक इंटर के बाद आप फाउंडेशन ईयर पे या बैचलर की डिग्री पे, जो कि 3-4 साल डिग्री होती है, उस पर यूके आ जाते हो, तो क्या आपको वो वर्थ करता है कि नहीं करता? अब ये एक अलग डिबेट है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो का हमारा पर्पज़ है वो ये है कि यूके आना वर्थ करता है कि नहीं। तो यार आई वुड से कि यूके आना वर्थ करता है, आज भी करता है, ठीक है? आपकी नज़र वो देखने वाली होनी चाहिए, आपकी नज़र जॉब सर्च करने वाली होनी चाहिए, चीज़ें यहाँ आके मैनेज हो जाती हैं। मुश्किल कब तक होती है? जब तक आपके पास अपनी पहली जॉब नहीं है, ठीक है, तब तक आप ऑब्वियसली परेशान भी रहोगे, डिप्रेस्ड भी रहोगे, प्रॉब्लम भी आती रहेगी, लेकिन जिस दिन आपकी वो जॉब हो जाएगी उस दिन आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे अखराजात, एक्सपेंसिव मेरे मैनेज होने स्टार्ट हो गए हैं। फिर आप फीस भी मैनेज कर ही लेते हो, अगर एक साल की हो तो फिर वो तो आधे साल की आप दे के आते हो, आधे की यहाँ आके देनी होती है, तो वो आराम से हो जाता है, ठीक है? और कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको मेंटली और फिजिकली भी प्रिपेयर होके आना पड़ता है पहले से, अब ज़्यादा थोड़ा सा उस पर कॉन्शियस होना पड़ेगा। लाइक लाइसेंस आपका होता है, वो पहले आप नहीं लेके आते थे, और जॉब आके मिल जाती थी तो आसानी हो जाती थी, अब आपको वो लेके आना चाहिए। यहाँ पे आके आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप अपनी गाड़ी ले सको और आप गाड़ी लेके अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सको चीज़ों की तरफ। पर अगर बात करें कि आपको डिग्री के बाद यहाँ पे जब PSW पे आप आ जाओगे, आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो
तो यार मेरा ख्याल है स्पॉन्सर जॉब की यहाँ पे कभी भी कमी नहीं होगी। ठीक है, अभी तो सिनेरियो यही है, लाइक मेडिकल की फील्ड में मैं हूँ तो मैं देखूँ तो हजारों जॉब्स हैं, बंदे उतने नहीं है, लेकिन बात यह है कि सीवी नहीं रैंक होती आपकी। तो आप एक अच्छी सीवी लेके जिसमें कीवर्ड्स इनके रिलेटेड होते हैं वो डालें, फिर उस सीवी को अपलोड करें, वो रैंक होगी इंशाल्लाह। एंड मोस्टली ये लोग पता क्या जॉब क्यों नहीं मिलती, ये लोग मांगते हैं यूके का एक्सपीरियंस। मेरा एक दोस्त है वो इंजीनियर है, वो भी यही बता रहा था कि यार मैंने बहुत सी जॉब्स पे अप्लाई किया, जहाँ भी कॉल करता हूँ वो लोग ये कहते हैं अगर आपके पास यूके बेस्ड एक्सपीरियंस है ना फिर हम आपको जॉब देने का कंसिडर कर सकते हैं। तो वो यही कहता है कि भाई यूके में अगर मैंने जॉब की ही नहीं तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे आएगा। अब इसका भी ये सिनेरियो है कि इसमें लूप होल्स होते हैं घुसने के इनकी फील्ड में। लाइक अगर आप बड़े लेवल पे जो आपकी डिग्री जितना लेवल है उस पर नहीं जा सकते तो आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करो। जब आप उस छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाता है उस पर भी। तो जब आपने 6 महीने उस पर काम कर लिया और आपने किसी को भी कॉल करके कहा भाई मेरे पास 6 महीने इस फलां फलां यूके की कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो वो बंदा आपको हंस के फिर जॉब देगा। वो कंसिडर करेगा कि यार इस बंदे ने छोटे लेवल पे 6 महीने हमारे मुल्क को दिए हैं, काम किया है यहाँ पे। अभी जब आप बड़े लेवल पे आ जाते हो और आपकी डिग्री इनफ होती है, क्वालिफाइड होती है, तो आप अगले बंदे को रोब से कह सकते हो कि भाई आई नीड स्पॉन्सरशिप विद दिस जॉब। लेकिन उससे पहले ये है कि मेरा ख्याल है आप अपना पॉइंट प्रूव करके दिखाओ। अगर आप प्रूव उसको कर दोगे तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं, वो आपको ऑफर करेगा कि मैं आपको परमानेंट रखना चाहता हूँ, आप मेरे साथ काम करोगे या नहीं करोगे। तो अगर आप अपनी वर्थ भाई साबित करते हो तो लोग यहाँ आपको कुछ चीजें ऑफर करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ मांगते रहते हो और कोशिश करने की बजाय सिर्फ इस मुल्क को बुरा कहते रहते हो तो फिर आपके साथ बुरा ही होता है। कहते हैं ना कि सोच हमारे कामों की अक्कासी करती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो आजकल यूके का भी यही सीन है कि आप यहाँ अच्छा सोच के आओगे तो अच्छा होगा, बुरा सोच के आओगे तो बुरा होगा। मैंने पहले भी कई बार बताया कि मुझे यहाँ आते तीसरे दिन या दूसरे दिन मैं अपनी जॉब पे खड़ा था पार्ट टाइम वाली, ठीक है, और 2 हफ्ते के अंदर मुझे एनआई की फुल टाइम की जॉब मिल गई थी। तो सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं। और ये समर सीजन है, अब जो आएगा तो जॉब्स की तो भरमार है ना, वो इस सेंस में कि अभी सब वेयर हाउसेस बिजी हो गए हैं, सब जो है ये फूड एरिया ये भी बिजी हैं, लोग निकलते हैं बाहर खाने पीने के लिए और सारा सिनेरियो काम बढ़ता है, सीजन चलता है, इवेंट्स आते हैं। तो इस टाइम जो है ना जॉब्स लेना आसान है पहले की निस्बत, जो कि जनवरी फरवरी में लोग आते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मैं भी जनवरी में जब आया था फरवरी में 20 दिन वेला रह के गया था, लेकिन जब मैं मार्च के एंड में आया अप्रैल से स्टार्ट किया तो अप्रैल में जॉब हो गई थी। तो अभी भी वही सिनेरियो मई चल रहा है। तो अगर आप आ रहे हो तो यूके वर्थ करता है, ठीक है, डोंट वरी हो जाओ, आप टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा अपना बैकअप लेके आओ। बाकी अच्छी बुरी चीज़ें हर बंदे के साथ हो सकती हैं, तो आप उन चीज़ों के लिए मेंटली थोड़ा सा तैयार होके आओ, अपनी सेंसेस को थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग करके आओ। आज की 14 मई की खबर, उम्मीद है आप लोग सब लोगों के दिलों को बाश बाश कर दिया होगा। तो इसी तरह मेरे लिए भी, मुझे भी अच्छा फील हुआ, क्योंकि यार जाहिर है हमारे मुल्क से लोग आते हैं, अपनी किस्मत बदलने आते हैं, किस्मत आजमाने आते हैं, तो मौका मिलना चाहिए सबको, जैसे हमें मिला सबको मिलना चाहिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।